टीकमगढ़ में मलेरिया विभाग में राष्ट्रीय फाइलेरिया सामूहिक दवा सेवन उन्मूलन मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 21 फरवरी से 28 फरवरी तक राष्ट्रीय फाइलेरिया सामूहिक दवा सेवन उन्मूलन शिविर आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर जिला मलेरिया विभाग में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें फाइलेरिया से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया। जिला मलेरिया अधिकारी एच एम रावत ने बताया कि फाइलेरिया संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रमित रोग है। व्यक्ति किसी भी उम्र में फाइलेरिया से संक्रमित हो सकता है। फाइलेरिया के लक्षण हाथ और पैर की सूजन, हाथी पाँव और हाइड्रोसील एवं स्तन ग्रंथियों में सूजन, त्वचा का लाल होना और हल्का बुखार आना जैसे संकेत है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। सर, आप बताएंगे आज कार्यक्रम बताएंगे? आज राष्ट्रीय एक कार्यक्रम जो सामूहिक दवा सेवन है, इसमें फाइलेरिया रोधी डीसी एल्बेंडाजोल दवा घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता सेवन कराने के लिए दिनांक 21 से 28 फरवरी के बीच दस्तक देंगे। अभियान में एक कार्यकर्ता लगभग 60 घरों को कवर करेगा और एक टीम में दो कार्यकर्ता होंगे। वो 15-15 दिन की औसत से 8 दिन तक घरों की विजिट करेंगे। इस 8 दिवसीय कार्यक्रम के पश्चात ये अभियान के पास जो घर छूट जाएंगे उनको मॉपअप राउंड में आगामी 3 दिवस में कवर किया जाएगा। इस संबंध में आज मीडिया एडवोकेसी कार्यशाला का आयोजन किया गया था, ताकि हमारे इस सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम को केवल संस्थागत तरीके से नहीं, बल्कि सामुदायिक तरीके से जन जन का अभियान बनाकर संचालित कराने में सहयोग प्राप्त हो सके। सर, ये किन लोगों को दवा खिलानी है, किनको नहीं खिलानी? यह दवा 2-3 आयु वर्ग को छोड़ करके, जिनमें 2 वर्ष से छोटे बच्चे, गंभीर रूप से बीमार और गर्भवती माताएं सम्मिलित हैं, से सभी आयु वर्ग के लोगों को पात्रता अनुसार दवा का सेवन करना है। आज ये हमारे ज़िले में दिनांक 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक फाइलेरिया के रोकथाम के लिए MDA कार्यक्रम चलाया जाना है, सामूहिक दवा सेवन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कोई भी टीम हमारी घर घर जाकर 2 साल से ऊपर के लोगों को DEC की गोली प्लस एक कृमि नाशक गोली एल्बेंडाजोल, ये सबको खिलाने का कार्य करेंगी। पूरे ज़िले में, टीकमगढ़ ज़िले में 3,867 जो है ना हमने दल बनाए हैं, और 10 दल के ऊपर एक सुपरवाइज़र भी रखा हुआ है जो कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। प्रत्येक दल को एक दिन में 15 घर विजिट करना है और 70 से जो है ना 80-90 लोगों को जो है ना दवा सेवन कराने का कार्य करना है। मैं आपके माध्यम से उन सभी नागरिकों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि दवा सेवन करते समय खाली पेट दवा का सेवन ना करें, कुछ खा लें और इसको रिफ्यूज़ ना करें, मना ना करें, क्योंकि ये बीमारी के कीटाणु हम सभी के खून में जो है विद्यमान होते हैं और ये हमारे शरीर में कई वर्षों तक पड़े रहते हैं बिना किसी बीमारी के लक्षण के। लेकिन यदि एक बार बीमारी के लक्षण उजागर हो गए तो फिर इसका कोई उपचार नहीं होता है। तो मेरा सभी नागरिकों से, आपके माध्यम से निवेदन है कि वे दवा का सेवन जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।